दोस्तों, हम पटाया थाईलैंड के सेंचुरी ऑफ ट्रुथ म्यूजियम यानी कि सत्य का अभयारण्य के पार्किंग से आपको लेकर मंदिर के प्रवेश द्वार की तरफ ले चल रहे हैं। इसका प्रवेश टिकट 500 भात है, यानी इंडिया का 1100 रुपया। यह पटाया सेंटर यानी पटाया बीच से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। अगर आपके मोबाइल में ग्रैब टैक्सी का ऐप है तो आसानी से 100 से 150 भात में यहाँ टैक्सी से आया जा सकता है। सेंचुरी ऑफ ट्रुथ थाईलैंड का निर्माण श्री लेक ब्रियाफान द्वारा शुरू किया गया था। ये हम ट्रुथ म्यूजियम या ट्रुथ ऑफ टेम्पल पटाया के एंट्रेंस गेट पर खड़े हैं और हम आपको आज पूरा यह किस विचारधारा और जीवन के किस दर्शन शास्त्र पे इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा है या म्यूजियम का, वो आपको हम पूरा दिखाएंगे और बताएंगे। वाह, लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड शिवा सारे मौजूद हैं। ১৯৮০ में इसके निर्माण की शुरुआत हुई थी और इसे पूर्ण होने में अभी भी 8 से 10 वर्ष और लगने की संभावना है। थाईलैंड के अन्य मंदिरों की ही तरह इस मंदिर में भी आपके कंधे और घुटने कपड़ों से ढके होने चाहिए। इस मंदिर के अंदर का क्षेत्रफल 2115 स्क्वायर मीटर और ऊंचाई 100 मीटर है। इस मंदिर के निर्माण के पीछे की फिलॉसफी भी समझना आवश्यक है। इस सत्य का अभयारण्य मंदिर लकड़ी का एक शानदार निर्माण है। कला की महिमा और अच्छाई के दर्शन को धारण करने वाले इस स्थान को दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे आश्चर्यजनक लकड़ी की नक्काशी वाली संरचना माना जाता है। इस संग्रहालय की वास्तुकला मंदिर और महल दोनों का एक अनूठा मिश्रण है, जिसे राजा राम 9th द्वारा बनाया गया था। यह संग्रहालय वह स्थान है जो थाई शिल्प कौशल का सबसे अच्छा वर्णन करता है। जटिल नक्काशीदार हाथी, लोग, दृश्य जीव और पौराणिक देवताओं की प्रशंसा करने के लिए अद्भुत कारीगरी है। यह नक्काशी पृथ्वी की प्राचीन दृष्टि और प्राचीन ज्ञान और पूर्वी दर्शन के लिए एक श्रद्धांजलि है, जो इस स्मारक के हर कोने में समाहित है। यह इमारत मानव अस्तित्व की एक मजबूत दृष्टि भी है, क्योंकि संग्रहालयों के पुराने हिस्से लकड़ी की नक्काशी मौसम और जलवायु के प्रभाव से खराब हो गए हैं। इस प्रकार इस संग्रहालय का निर्माण एक सतत और कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है, जो 1981 में शुरू हुई थी। यह 105 मीटर ऊंची इमारत न केवल एक जगह है जो संस्कृतियों और परंपराओं के सुंदर मिश्रण को दर्शाती है, बल्कि आगंतुकों को समझने के लिए कई भाषाओं में पर्यटन का आयोजन भी करती है। इतना ही नहीं, थाई नृत्य प्रदर्शन भी इस अनोखे संग्रहालय का एक प्रमुख आकर्षण है। टेम्पल ऑफ ट्रुथ का प्रवेश पूर्वी दिशा से है। इसके अलावा 4 हाल हैं, जिसमें सेंट्रल हाल में एक भव्य लकड़ी का सिंहासन है, जिसके द्वार पर देवताओं की अनुपस्थिति मुक्ति, शाश्वत सत्य और शांति का प्रतिनिधित्व करती है। यह हमें अपने मन को शुद्ध करने और भगवान बुद्ध के 5 उपदेशों का पालन करने के लिए भी उत्साहित करता है, जिसमें हत्या, चोरी, व्यभिचार, झूठ और बुराइयों से बचना शामिल है। इसी तरह से दक्षिणी हाल में सूर्य, चंद्रमा और तारे जीवन के ये 3 निर्माता दक्षिणी हाल के केंद्र बिंदु हैं। प्रत्येक तारा सप्ताह के एक अलग दिन को दर्शाता है और जिस दिन आप पैदा हुए थे उसके आधार पर आपके पास एक विशिष्ट विशेषता होना
विशेषताएं हैं। दक्षिणी हाल में माता पिता के प्यार के बारे में भी वर्णन है। यह हमें अंतिम दो हमारी माता और पिता और उनके बिना सत प्यार के बारे में बताता है। यह सिखाता है कि प्यार जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है। ताओवादी और कन्फ्यूशियस सिद्धांतों को उत्तरी हाल में दर्शाया गया है। यह बौद्ध विचारों का प्रतिनिधित्व करता है कि जन्म में अंतर के बावजूद यदि लोग पुण्य करते हैं और अच्छा करते हैं तो वे दोषों, लालच और जुनून से मुक्त होंगे और निर्वाण प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार से अंतिम पश्चिमी हाल को द ओरिजिन वेस्टर्न हाल नाम दिया गया है। प्रकृति के चार तत्वों पृथ्वी, वायु, अग्नि और जल ने पृथ्वी का निर्माण किया। विष्णु भगवान जो समुद्र के बीच में रहने के कारण जल को दर्शाते हैं। हंस की सवारी करने वाले ब्रह्मा जी वायु के प्रतीक हैं। शिव जी पहाड़ को तथा पृथ्वी अग्नि का प्रतीक है। आपने देखा होगा कि हमारे साथ साथ सभी लोग जो यहाँ अंदर घूम रहे हैं वो हेलमेट पहने हुए हैं। दरअसल मंदिर का निर्माण सतत जारी है, अभी भी 8 से 10 साल तक बनने की संभावना है, इसलिए सावधानी के लिए सभी को हेलमेट पहनना कंपलसरी कर दिया गया है। So the other one is the ceiling of the inside. The ceiling of the inside has no decoration, no carving. Want to show play? This represents for our life. Actually, our life are very simple, very simple. Our life are empty necks. We say like that. Because when we born, we have nothing with us. That's right. Our parents, who are they, what are they, what they have, doesn't matter. When we born, we have nothing with us. Say, when we die, we can take nothing again. वीडियो के अंत में यह भी बताना जरूरी है कि इस मंदिर का दार्शनिक सार क्या है। यह हमारे लिए जानना जरूरी है। हम कौन हैं, हम कहां से हैं, हम अपना जीवन कैसे जीते हैं और जीवन का लक्ष्य क्या है। कुछ ऐसे आम दार्शनिक प्रश्नों के जवाब भी इस मंदिर में बताने की कोशिश की गई है, जिसे 7 सत्य में नक्काशियों के माध्यम से हम समझ सकते हैं। पहला सत्य है, हम कौन हैं, हम कहां से हैं। सारे मनुष्यों को समानता को याद दिलाने के लिए 4 तत्वों पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि को नक्काशीदार कला में पुनर्व्यवस्थित किया गया है। जाति, धर्म या परिस्थितियाँ अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन अंत में हम सभी की मंजिल एक ही है। दूसरा सत्य है कि हम अपना जीवन कैसे जीते हैं। अलग अलग बाहरी कोष में हम सब एक जैसे बड़े हुए हैं, यही जीवन का प्राकृतिक नियम है। दूसरा सत्य मानव जीवन चक्र जन्म, उम्र बढ़ने और दर्द से बंधी लकड़ी की मूर्तियों के साथ प्रदर्शित होगा, जो सामान्य प्रकृति होगी, भले ही प्रत्येक व्यक्ति का जीवन काल अलग अलग हो सकता है। तीसरा सत्य है जीवन का अंत। जीवन चक्र का अंतिम चरण बुद्ध के अवशेषों के माध्यम से मृत्यु है। एक बार जब हम नग्न जन्म लेते हैं तो हम भी इस दुनिया को कुछ भी छोड़कर नहीं जाते हैं। हम परवर्ती जीवन में कुछ भी नहीं ला सकते। चौथा सत्य है सभ्यता के नमूने। चौथा सत्य पूर्ववर्ती दुनिया की प्रसिद्ध सभ्यताओं के बारे में है। प्रत्येक कहानी और अच्छाई अभी भी अगली पीढ़ी के जीवन को प्रभावित करती है, विशेष रूप से दर्शन और जीवन सिद्धांत, जिन्होंने आने वाली कई पीढ़ियों को प्रभावित किया है। पांचवां सत्य है जीवन का लक्ष्य क्या है। जीवन के लक्ष्य निर्धारित करने में सक्षम होना सरल है, लेकिन उतना सरल भी नहीं है। पांचवां सत्य अभ्यास के लिए उत्तर दिशा निर्देशों का एक मार्ग दिखाएगा, जो इस महान महल के चारों ओर के स्तंभों पर स्थित है। छठा सत्य है समाज 2 तरफा सिक्के की तरह है, सिर और पूंछ दोनों वाले सिक्के की ही तरह समाज में भी अच्छे और बुरे पहलू होते हैं। छठा सत्य मार्गदर्शन पथ का प्रतिनिधित्व करेगा कि समझौता कैसे किया जाए और यदि हम नहीं करना चुनते हैं तो क्या होगा। सातवां सत्य समाज की शुरुआत।
परिवार जीवन की एक महत्वपूर्ण शुरुआत है जिसने समाज को प्रभावित करने वाले मूल्यों, विश्वासों और व्यक्तित्वों का निर्माण किया। यह पहले शिक्षक और मित्र की तरह है। सातवां सत्य परिवार में लोगों के बीच बंधन का प्रतिनिधित्व करता है, जो हमें माता पिता के सच्चे प्यार की याद दिलाता है कि उन्होंने क्या बलिदान दिया था और हमने उनके लिए क्या किया है। अब हमारा यह टूर यहीं पर समाप्त होता है। जिनको यह वीडियो पसंद आया है वो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।